एडिटर्स जो हम यूज कर सकते हैं अगर हम एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं या फिर कॉलेज के अंदर कोडिंग या प्रोग्रामिंग करते हैं तो इनमें से सबसे पहले माइक्रोसॉफ्ट का VS कोड यानी विजुअल स्टूडियो कोड ये 2015 में रिलीज हुआ था, कंप्लीटली फ्री टू यूज है एंड ओपन सोर्स है। अब VS कोड जो है इसके अंदर हमें काफी सारी लैंग्वेजेस के काफी सारे एक्सटेंशन मिल जाएंगे जिसको हम यूज कर सकते हैं, तो मल्टीपल लैंग्वेजेस के लिए हम सेम कोड एडिटर को यूज कर सकते हैं एंड उसके साथ साथ इसमें हम कोडिंग करते के साथ में डीबगिंग कर सकते हैं एंड और भी काफी सारे फीचर्स हैं। सेकंड है एटम। अब एटम जो था गिटहब नाम की कंपनी ने बनाया था, पर कुछ टाइम पहले गिटहब को माइक्रोसॉफ्ट ने एक्वायर कर लिया, तो एटम इज नाउ आल्सो ओन्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट। ये भी कंप्लीटली फ्री टू यूज एंड ओपन सोर्स कोड एडिटर है। अब एटम जो है वो हाईली कस्टमाइजेबल है एंड उसका यूजर इंटरफेस आपको बहुत सुंदर लगेगा। तीसरा है हमारे पास सबलाइन। अब सबलाइन के दो वर्जन है, एक फ्री है एक पेड वाला है, बट कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए फ्री वाला वर्जन बहुत ही सफिशिएंट रहेगा। सबलाइन इज नोन फॉर इट्स गुड यूजर एक्सपीरियंस एंड इसके साथ साथ हमें काफी ज्यादा कीबोर्ड शॉर्टकट्स मिल जाते हैं जो बहुत ही ज्यादा फास्टर बना देते हैं हमारे पूरे प्रोग्रामिंग प्रोसेस को। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग।